चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच कर रही है इस मामले की सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। राफेल सौदे को की जांच को लेकर ये सुनवाई हो रही है और 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सीजीआई की अध्यक्षता में हो रही है सुनवाई। तो राफेल विवाद काफ़ी बड़ा विवाद है देश का, क्योंकि लगातार इसमें राजनीति हो रही थी। कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर बीजेपी पर लगातार लग रहे थे। उसी बीच अब आपको बता दें कि राफेल सौदे के मामले में, जांच के मामले में, अब जो है आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और आपको बता दें कि सीजीआई की अध्यक्षता में ये सुनवाई की जा रही है। तो लगातार इस मामले में एक के बाद एक बयान आ रहे थे विपक्षी पार्टियों के, और इसके साथ ही बीजेपी भी अपनी सफाई दे रही थी। तो वहीं अब इसी बीच सुनवाई आज शुरू हुई है और देखने वाली बात ये रहेगी कि आज क्या कुछ सामने आता है इस सुनवाई में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राफेल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज शुरू हो चुकी है और 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सीजीआई की अध्यक्षता में ही पूरी सुनवाई हो रही है। तो इस मामले में याचिकाकर्ता संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही गोलमोल सा जवाब है, उसमें बहुत सारे तथ्यों को छुपाया गया है और जो जवाब उन्होंने दिया है उसके काउंटर पॉइंट्स जो बनते हैं, जो उनके जवाब से ही जो सवाल निकल के आते हैं, वो इस राफेल के महाघोटाले को और सच साबित करते हैं और पुख्ता साबित करते हैं और मजबूत साबित करते हैं। हमारे वकील के तौर पर आज सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के संजय हेगड़े जी और हमारे धीरज सिंह जी जो अधिवक्ता हैं, ये दोनों लोग न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो राफेल का दाम बताने से बच रही है, जो पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ियों को बताने से बच रही है और छिपाने की कोशिश कर रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इनका सच सामने आएगा और देश के सामने पूरा सच आएगा। ये राफेल के महाघोटाले से बच नहीं सकते। संक्षेप में हम जानना चाहें तो क्या बेस बना के आप लोग कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं? देखिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर जवाब हमको मिला है तो उसकी चर्चा बाहर करना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो जवाब केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है वो कई सारे सच को छिपाते हुए दिया गया है और जो जवाब दिया गया है उसमें भी इतने सवाल खड़े होते हैं कि केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देश के सामने राफेल के महाघोटाले का सच आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हो रही है। हमारी ओर से संजय हेगड़े जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और धीरज सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। तो संजय सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी राफेल की असली कीमत बताने से बच रही है हर बार, यहाँ पर यही देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि आज जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ सुनवाई में सामने निकल कर आएगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये जो विवाद है राफेल विवाद काफ़ी बड़ा विवाद है, देश का बड़ा विवाद इसको माना जा रहा है। और अगर आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टी जो है बीजेपी पर लगातार इस पर हमला कर रही है, लगातार बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे मामले में राफेल सौदे में जो है भ्रष्टाचार किया गया है और यहाँ पर लगातार बीजेपी जो है जो सही कीमत है सौदे की वो बताने से बच रही है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।